ईशान किशन, शुभमन गिल तुम्हारे ओपनर, वहां से डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, या शॉर्ट शॉर्ट आएगा तो उनको थोड़ा शॉर्ट हो जाएंगे, मार्श ही आएगा, मगर मार्श ही आएगा, बॉलिंग भी देता है वो आपको, मार्श बॉलिंग भी देता है, ओपनिंग पोजीशन पे वो मार्श ही आएगा, तो ओपनर तो उनके बेहतर लग रहे हैं भाई, है ना, हमारे भी बहुत तगड़े हैं, लेकिन ये तो यार फिर डेविड वॉर्नर और मिच मार्श आप समझ रहे हो ना फिर क्या चीज है। तीन नंबर पे श्रेयस अय्यर, स्टीव स्मिथ, अगेन स्टीव स्मिथ को आपको आगे रखना पड़ेगा स्पेसिफिकली बिकॉज श्रेयस अय्यर भी इतने टाइम मार रहा और स्टीव स्मिथ लेजेंड है यार। लबुशेन, के एल राहुल, ठीक है आप बोल सकते हो कि राहुल आगे हो सकते हैं राहुल इस मुकाबले में। फिर तिलक वर्मा, तिलक वर्मा कहां से आ गया? अरे इंडिया प्रोबेबल जो बनाई थी, मुझे तो नहीं लग रहा तिलक, तिलक वर्मा, लेकिन चलो यार आप सुंदर अश्विन, मुझे नहीं लगता कि तीन स्पिनर्स आप, अरे भाई उनको वर्ल्ड कप के लिए एक्सपेरिमेंट करवाना है, उनको वर्ल्ड कप के लिए देखना है सुंदर कैसा खेल रहे हैं, अश्विन कैसा खेल रहे हैं, वो दोनों ही आएंगे और सुंदर आपको बैटिंग बहुत अच्छी देता है, सुंदर शार्दुल ठाकुर या अश्विन जैसा बैटर नहीं है, सुंदर बैटिंग देता है लेकिन आप तीनों खेलेंगे, तीन स्पिनर जो है वो तिलक वर्मा का, चलो अभी अगर तिलक वर्मा को तुमने जबरदस्ती रख लिया है, मुझे तो लगता है मेरे भी स्क्वाड का भी रखना चाहिए था, पता नहीं क्यों रख लिया तिलक वर्मा को स्क्वाड में, लेकिन चलो हो सकता है तुम्हारा मैच विनर बन जाए, रोहित शर्मा ने देखना हो भाई, हो सकता है मैच विनर बन जाए, हो सकता नहीं, जब आपने जब एशिया कप खिलाया तिलक वर्मा को कहीं से भी उठा के आप ले आए हो, अरे यार वो तो अच्छी बॉल पड़ गई उसको, क्या नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं उस प्लेयर के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूँ तिलक वर्मा को जब आप T20 फॉर्मेट से उठा के ODI में ले आए हो तो कुछ सोच के लाए हो ना, उसको देख रहे हो आप चार के लिए पांच के लिए, इस प्लेइंग 11 के हिसाब से जो कोबरा जी ने बताई है उसके सामने ग्लेन मैक्सवेल है, मैक्सी आगे को रखेंगे हमें तो अभी बिकॉज एक्सपीरियंस भी है, सूर्य कुमार यादव, मार्कस टॉयनेस, टॉयनेस ही बैटिंग में तो आगे भाई, सूर्य कुमार यादव ने अभी तक तो कुछ नहीं करा है वनडे में, लेकिन कंपैरिजन मतलब कंपेरेबली है, सूर्य ने बस ये है कि ODI में ODI को ODI की तरह खेलो, 50 ओवर की गेम 50 ओवर की तरह खेलो। फिर है रविंद्र जडेजा, एलेक्स कैरी, अब यहाँ पे भी कंपैरिजन ज्यादा बनता नहीं है, जडेजा आगे तो है लेकिन हाल फिलहाल की बैटिंग की फॉर्म अच्छी नहीं है, शार्दुल ठाकुर, पैट कमिंस, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है कि पैट कमिंस मतलब अहेड बाय अ माइल। फिर शॉन एबर्ट, अश्विन, मिच मार्श, जाम्पा को ऊपर करना था, अगर कंपेयर करना था अश्विन और जाम्पा में, यार वैसे अगर देखे तो जाम्पा, चलो मोहम्मद सिराज, मिचेल स्टार्क एंड जसप्रीत बुमराह, मतलब पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, शॉन एबर्ट या मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, एबर्ट की जगह हेजलवुड कर लो, हेजलवुड एबर्ट की जगह हेजलवुड ही होगा, तो भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम इज गुड, तगड़ी, शुरू के तो ODI में तो ठीक ठाक है, मतलब गुड इस टीम, हमारी इंडियन टीम से तो आगे लग रही है, क्या कमी है इस टीम में? नहीं कोई कमी नहीं है, कमी तो बाय द वे वैसे आप लोग सही बात है, ये रियली सॉलिड, रियली सॉलिड साइड, आप मुझे ये बता दो, हमारे तो चलो अभी विराट नहीं है, रोहित नहीं है, हार्दिक भी नहीं है, इनकी टीम में कौन कौन नहीं है और क्या क्या कमी है बता दो, चलो ट्रैविस हेड मान लिया, एक ट्रैविस हेड नहीं है बस, बाकी सारे वापस आ गए, हेजलवुड भी है ना इंजरी से वापस आ गए, अभी तक कैमरन ग्रीन इनके पास ऑप्शन है, टिम डेविड इनके पास ऑप्शन है, डेविड है इनके लिए, टिम डेविड नहीं सॉरी वो दूसरा कैमरन, कैमरन ग्रीन, मार्श है, मार्श पास तो है, मिश मार्श है, इनके पास कैमरन ग्रीन का भी ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है भाई, इस टीम में कोई कमी नहीं है ऑस्ट्रेलिया वाली में, और ये एक मिनट नहीं लगाते अगर किसी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा हो, दे टेक ओनली वन मिनट टू ड्रॉप हिम एंड टू चेंज, और जो चेंज करता है मैंने देखा ज्यादातर वो उससे बेटर ही करता है जो ओरिजिनली खेल रहा होता है, एशेज में देख लो ग्रीन को लेके मार्श को है, मार्श ने 100 बना दिया, इनका बेंच स्ट्रेंथ भाई मेरे लिए सबसे डेंजरस टीम इस पूरे कॉम्पिटिशन में इंडिया वाले वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ही है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस का सेकंड घर है भाई इंडिया, जिस तरीके से ये IPL खेलते हैं कोई भी नहीं खेलता, अगर आप ऊपर से आए, डेविड वॉर्नर IPL जीता हुआ है, जीता हुआ है, मिच मार्श जीता हुआ, दिल्ली में खेलते थे यार, मिच मार्श तो नहीं जीता हो, नहीं पहले जीता हो, जीता नहीं हुआ, बट किसी और के साथ खेला, बट खेला बहुत ज्यादा खेला है, काफी ज्यादा, स्मिथ RPS में था, फाइनल खेला फाइनल तो फिर खेला, मैक्सवेल नहीं जीता, ये भी RCB के साथ काफी अच्छा खेला लेकिन हां जीता नहीं है, RCB पंजाब दोनों टीम ही ऐसी मिली उसको, स्टॉइनेस अभी लखनऊ के साथ खेल रहा है, अच्छा कर रहा है, कमिंस, फिर साफ, फिर जाम्पा तो वापस चला गया, कमिंस, KKR 14 बॉल में 50, ये जरूर है यार कि ये जो पूरी टीम है ना ये इतनी ज्यादा एफिशिएंट है, आई मीन इसमें कोई भी कमी कहीं से भी आप ढूंढ नहीं सकते, नहीं और ऑलराउंडर, अच्छा इसमें बॉलिंग ऑप्शंस देख लो, आप एक चीज देख लो, हाँ आप मार्श से शुरू करो, बॉलिंग करते हैं भाई, स्टीव स्मिथ बॉलिंग करता है, लबुशेन को भी बॉलिंग करवाई जाती है, मैक्सवेल भी बॉलिंग, स्टॉइनेस भी बॉलिंग, बैटिंग जो है 1 2 3 4 तिलक वर्मा, नहीं मैं इंडिया की देख रहा हूँ, ईशान किशन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, चलो ठीक है, KL राहुल सही है, तिलक वर्मा सही है, सूर्य कुमार यादव, जडेजा, ठीक है 7 नंबर तक, उसके बाद आपके शुरू होते हैं शार्दुल ठाकुर, अश्विन, सुंदर या सुंदर जो भी है, अगर तो दोनों रहेंगे सुंदर और अश्विन,
तो फिर एक और पोजीशन कम हो जाती है, फिर सात नंबर से शुरू हो जाते हैं आपके अश्विन सुंदर है ना, तो मतलब छह प्रॉपर बैटर उसमें भी रविंद्र जडेजा और इसीलिए तिलक को वहां पर जो है वो ज्यादा, आपके पास सिर्फ सात ही बैटर है और अगर आप तिलक को हटा के वॉशिंगटन सुंदर अश्विन को डालोगे तो आप ये समझ लो कि सुंदर इतनी बैटिंग नहीं करी, तो छह ही बैटर है वहां पे। अगर आप आ जाओ तो ये मुझे बता दो कि कहां पे जाके बैटिंग खत्म हो रही है, बैटिंग इनकी कमिंस पे जाके स्टार्क भी करता है, वैसे स्टार्क भी कर लेते हैं हेजलवुड, अगर यहां पे आप डालोगे तो बैटिंग आपकी स्टार्क पे जाकर ही खत्म हो रही है, स्टार्क इज अ गुड हिटर ऑफ द बॉल बट आई विल सी हेजलवुड तो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, बट पैट कमिंस वो नाम रखो यार, कमिंस ज्यादा भी मत, चलो पैट कमिंस वो नाम जो आपकी बैटिंग में पूरा कॉन्फिडेंस दे रहा है, चलो 8 नंबर तक, अब बॉलिंग देख लो भाई, यहां मार्श भी बॉलिंग कर रहा है, स्टार्क एबर्ट कमिंस तो है ही है चार, उसके बाद स्टॉइनिस है, मार्श भी है, मैक्सवेल है, ठीक है, और मार्श है, तो लबुशेन भी है, लबुशेन से भी गेंदबाजी करवाता है, लेकिन चलो सात बोलर तो है इनके पास, सात बोलर इनके पास ऑप्शन है, और अगर ये कहीं से कैमरन ग्रीन को भी डाल देते हैं, कैमरन ग्रीन को डालेंगे तो बाहर किसको निकालेंगे, ये मुझे लग रहा है स्टॉइनिस या लबुशेन या किसी को, ये मुझे लग रहा है स्टॉइनिस जा रहा, लबुशेन, लबुशेन ने तो यार अभी 100 बनाए साउथ अफ्रीका में, बना ले 100 फिर इनके साथ, इंडिया में अच्छा करता है लबुशेन, लेकिन ये फॉर्म लबुशेन मुश्किल निकालेगा, इसका फॉर्म इनको लगेगा नहीं है उसको बिठा देगा, और ग्रीन इंजरी मुझे लग रहा है, ग्रीन की इंजरी है, तो अगर वापस आ जाता है तो भाई 8 बॉलिंग ऑप्शन है, 9 तक बैटिंग हो जाएगी, जय जय राम कृष्ण हरी जो भी हो जाए डोंट वरी, 9 तक बैटिंग ऑप्शन और 8 तक बॉलिंग ऑप्शन, बट इस ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 वैसे तो मैं कहूंगा बहुत बेहतर प्लेइंग 11 है, और बट अगर देखें ना इसमें तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजरी के बाद अभी वापसी करने वाले हैं, सो इट इज येट टू बी सीन कि इंजरी के बाद क्या बॉडी उतना बेहतर रिस्पॉन्ड कर रही है, मिचेल स्टार्क ग्रॉइन इंजरी से वापस आ रहा है, आप अगर देख लो ग्लेन मैक्सवेल का टो थोड़ा सा सोर चल रहा था उसके चलते साउथ अफ्रीका सीरीज नहीं खेली, स्टीव स्मिथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेफ्ट आर्म रिस्ट की इंजरी इनको चली है, मतलब ये तीन प्लेयर्स, ट्रैविस हेड का तो वैसे ही फ्रैक्चर हुआ पड़ा, वो तो वर्ल्ड कप भी बहुत कम चांस है खेले, ये तीन प्लेयर्स जो यहाँ पर वापसी करेंगे अपनी इंजरी के बाद करेंगे, देखना होगा वो भी ध्यान से करेंगे इंजरी दोबारा ना जाए, देखो आप ये देखो श्रेयस अय्यर ही आ रहा है ना, फिर केएल राहुल भी वो तो कर लिया ना वापसी, केएल लिया है, लेकिन अभी भाई 3 मैच ये खेलने हैं, 11 मैच फिर वर्ल्ड कप के, रोहित शर्मा ने जैसे कैलकुलेट करा था 11 मैच, तो लंबे पीरियड ऑफ टाइम में देखना है ना आपने, फिर आपने बुमराह को भी देखना है, फिर आपके जो रिजर्व है प्रसिद्ध कृष्णा उसको भी आपने देखना है अगर उसको चांस मिलता है, सो देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स ऑन आवर साइड आल्सो, हमारी भी इंजरीज के बाद वापस आ रहे हैं लोग और इनकी भी, और इनके वाले भी डायरेक्ट वापसी कर रहे हैं, हमारे वालों ने कुछ मैच खेलने हैं, वो फर्क है, ठीक है यार हमारे वालों ने भी खेला था, जैसे ही खेला था वो वापस वही बैक टू स्क्वायर वन, श्रेयस ही हुआ है ना, बाकी नहीं हुआ, लेकिन बुमराह ने इतनी बॉलिंग नहीं कराई अभी, केएल राहुल ने ठीक है खेला उसने मैच और बढ़िया ही खेला, लेकिन अभी पता चलेगा आगे जाके क्या होगा जब 50-50 ओवर की प्रॉपर गेम इंडिया में होगी बैक टू बैक, तो अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान का भी आप देखो 1-228 के बाद पीसीबी के चेयरमैन जो है जफर अशरफ वो फड्डे में पड़े हुए हैं कि वो सारे कह रहे हैं इलेक्शन कराओ पीसीबी के चेयरमैन का इलेक्शन कराओ, संडे को मेरे ख्याल इनकी मीटिंग हो गई थी, संडे को बाबर आजम और ये इंजमामुल हक और इन सब की मीटिंग हो गई थी स्क्वाड की, स्क्वाड वो डिसाइड कर चुके हैं, अनाउंस नहीं कर रहे, स्क्वाड आज अनाउंस होना था, आज बोल रहे थे ना, आज बहुत ज्यादा ये था कि आज हो जाएगा जी हो जाएगा, कल होगा, कल होगा जो रिपोर्ट्स आई वहां पर, आज अनाउंस नहीं किया है, आज भी था मीटिंग होते होते शाम हो गई, इसीलिए अब सोच रहे हैं कि कल अनाउंस करेंगे, देखो जी कर ले तो अच्छी बात, कल अनाउंस होगा, वरना आई हैव गिवन देम 228 रीजंस नॉट टू रिवील वर्ल्ड कप, नॉट टू रिवील, 228 रीजंस, 228 रीजंस, और श्रीलंका को कितने मिलेंगे फिर, श्रीलंका को ये है कि उनको दो दो बारी मिलेगी, एक बार वर्ल्ड कप सेलिब्रेट हो जाओ फिर दूसरी बार, हालांकि हाँ वहां पर श्रीलंका क्रिकेट में भी हो रहा था कि जिस तरीके से वो हारे हैं कि शनाका को हटा दो, नहीं लेकिन अब खबर ये आ चुकी है कि शनाका ही आपके वर्ल्ड कप में कैप्टन रहने वाले, वही कप्तानी करेंगे वर्ल्ड कप, हटाएंगे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे, वो किसी और को देख रहे थे कैप्टनसी बनाने के लिए, लेकिन अभी अभी नहीं, अभी नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप तक शनाका ही रहेंगे, वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, बट भाई ये बड़ी खतरनाक है ऑस्ट्रेलिया की साइड, सतीश जी आए, सतीश जी बोले सुशांत ऑस्ट्रेलिया हैज ट्रैश्ड इंडिया इन इंडिया इन रीसेंट ओडीआई सीरीज, बिल्कुल मानता हूं सर, पेटीएम इवन इंडिया वाज प्लेइंग विद देयर विद फुल स्क्वाड फ्रॉम 2019 टिल ऑस्ट्रेलिया हैज वन, भाई मैं तो आपकी बात मान रहा हूं, मैंने इसीलिए बोला है कि इस टूर्नामेंट के लिए भी मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया नंबर वन साइड है, साउथ अफ्रीका ने टफ टाइम दिया है अभी हाल फिलहाल में, वो भी तगड़ी साइड है, इंग्लैंड बहुत तगड़ी साइड है, न्यूजीलैंड को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, इवन आउटसाइड चांस डार्क हॉर्सेस पाकिस्तान, पता नहीं क्या कुछ करके टीम बना के वापस आते हैं, कहीं ना कहीं से जिंदा हो ही जाते हैं, अभी तो खैर बड़े बुरे हाल है उनके, तो उनको भी आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अभी के लिए मैं उनको बाहर रखता हूं, ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया नंबर वन, फिर इंग्लैंड, ठीक है, फिर इंडिया, फिर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये 5 टीम्स के बीच में मेन होगा, डार्क हॉर्सेस यहाँ पे पाकिस्तान, मेरे को देखना पड़ेगा टीम क्या सिलेक्ट करते हैं, और वैसे पाकिस्तान की टीम में ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं,
एक वो स्पिनर को लाने वाले अबरार अहमद, मैक्सिमम मुझे लग रहा है एक चेंज ये, और नसीम शाह की जगह एक पेसर। अब वो हसन अली कर रहे हैं, पता नहीं भाई हसन अली को ले आएंगे तो सल्यूट है उनकी थिंकिंग को। लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक एक अबरार अहमद और एक और पेसर, या तो धानी ले लो या हसनैन ले लो, जो भी मतलब वो जो फाइनल में जमान का आया था ऐसा कोई ले लो हिसाब से वो। बट सतीश जी मैं तो बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया आर माय फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप इन इंडिया, बट इनको हराने वाले भी फिर हम ही हैं। इनको हराना जो है ना फिर वो हमारी ही जिम्मेदारी है। अदरवाइज यार इस टीम में कोई कहीं से कमी है ही नहीं यार, ये इतनी खतरनाक टीम है, बहुत शानदार टीम है। डेविड वार्नर की जब आई पे आती है ना वो अकेले जिता देता भाई, आप हमेशा याद रखना डेविड वार्नर ऐसा खतरनाक इंसान है। लेकिन अभी अभी इस टीम को आप इंडियन टीम से तब कंपेयर करना जब उसमें रोहित आ जाए, जब उसमें विराट कोहली आ जाए, जब हार्दिक आ जाए, जब कुलदीप आ जाए, आप तब बेटर तब भी बहुत फाइटिंग टीम होगी। अगर रोहित आप इधर चलो, रोहित शर्मा शुभमन गिल ओपनर ठीक है, डेविड वार्नर और मिच मार्श ओपनर ठीक है, ये भी टक्कर है, टक्कर है। लेकिन लेकिन अभी जैसे डेविड और मार्श आगे लग रहे हैं वहां पर बराबर बराबर का बराबर बराबर 50-50 बराबर बोल सकते हो। रोहित इस वक्त यार बहुत बढ़िया है, बुमराह जी मैं बोल रहा हूं बहुत बढ़िया, लेकिन वो प्रूवन मैच विनर वर्ल्ड कप विनर्स है वो यार। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, हमारे वर्ल्ड कप विनर ने हम वर्ल्ड कप विनर नहीं, हम वर्ल्ड कप नहीं, लेकिन क्या मैच विनर नहीं है? मैच विनर है, लेकिन अगर आप हाल फिलहाल में देखोगे मिच मार्श एक टी20 वर्ल्ड कप जिता चुका है फाइनल में, डेविड वार्नर लगातार वो भी टी20 वर्ल्ड कप भी, ओडीआई वर्ल्ड कप भी ठीक है, आईपीएल फाइनल भी ठीक है सारे। उसके बाद आप आ जाओ तीन नंबर पे, हाँ यहाँ पे आईपीएल गिन रहे हो आप, तो फिर रोहित मैं वैसे शुभमन दो बार जिताने के लिए इस यार टीम में। आपके प्लेयर भी मैच विनर हैं, बट वो दमखम रखते हैं, वो सिर्फ आईपीएल एक है भाई, वो बाहर से आके जीत रहे हैं, उनकी डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा है। और डेविड वार्नर और मिच मार्श यार बहुत खतरनाक है, बहुत यार फिर अपनी बॉलिंग भी तो देख लो ना, बहुत खतरनाक है, खतरनाक आदमी मारी एंड टू ऑल क्वेश्चंस, वो आने से कंपेरेबल देखो इतना आगे नहीं है, इतना 50-50 है दोनों में से, रोहित गिल और डेविड मार्श 50-50 है। ओ ऑन अ गिवन डे, ऑन अ गिवन डे मैं मानता हूं कि कोई भी आगे हो सकता है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा भी, और वहां से डेविड वार्नर और मिच मार्श भी, और हम उनके बॉलर्स को पीट सकते हैं, ये तो है। सुपर चैट देख लिया भाई, और कोई होगी तो दिखा दीजिएगा। तो लेकिन ये जरूर है कि एक बात बताओ, तीसरे नंबर पर क्या कहते हैं अभी आरओ सिंगुलैरिटी, आपको क्वेश्चन लेने, तीसरे नंबर पर जो है ना, हाँ हाँ महाली जी की एंट्री होती है मिठाइयों के साथ है, क्या है ये कौन लेके आया, खोलिए यार एक सेकेंड यार इसको दिखाओ, सील डब्बा लेके आयो, इतनी अमीरी सीधा कोबरा के हाथ में दे दिया, आपको पता डब्बा बचेगा ही नहीं कोबरा का। अच्छा इसमें चॉकलेट भी डलवा दी यार, वाह मिठाइयों के डब्बे, बेटा शुगर करवा के रहना मुझे, लाओ दो मैं खोल, आप खोले, आप खोले, खोले इसको खोले। तो क्या बात क्या चल रही थी यार, मिठाई आ गई है, कंपैरिजन कर रहे थे तीन पे कोहली और दिखाओ, टीम दिखाओ फिर से दिखाओ, ये देखिए बस हमने खा खा लेना है, आ जाओ स्क्रीन पे, टीम पे आ जाओ और फिर वो भी दिखा दो, सुपर चैट दिखा देना सिंगुलैरिटी की आई थी। तो यार मेरा पूरा चेन ऑफ थॉट घूम गया, उसमें क्वेश्चन आंसर भी है यार, क्वेश्चन तो लिया नहीं है कभी तुमने, लेने लगे मिठाइयां लेके, क्वेश्चन ले रहे हैं अभी 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 कंपैरिजन चल रहा था ना थोड़ा, काजू की बर्फी ले आओगे तो मैं उस पे कंपैरिजन करने लग गया, खाना क्या है। अच्छा ईशान किशन, शुभमन गिल, डेविड वार्नर और मिच मार्श, अरे आप तीन पे थे यार, विराट कोहली और स्मिथ, अब इसमें विराट बहुत आगे, विराट तो बहुत आगे, ओडीआई में विराट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, विराट से कोई आगे है भी नहीं। फिर आपके चार पे वहां पे श्रेयस अय्यर आएगा, यहाँ पे चार पे लबुशेन आएगा, इसमें लबुशेन को आगे आप रख सकते हैं, श्रेयस अय्यर ने खेला ही नहीं है यार, यार फिर वही बच्चों वाली ओडीआई फॉर्मेट की, सैयर को ओडीआई फॉर्मेट की बात, अभी रिसेंट नहीं खेला है, अभी रिसेंट नहीं खेला है लबुशेन भी, इतना नहीं खेला ओडीआई फॉर्मेट अभी, तो एक वो तो 100 मार के आ रहा है, अभी 100 मार के आ रहा है वो, लेकिन भी खुल रहा है घंटे से, अरे खुल रहा है, वो पानी से भर गया है घंटे से खुल नहीं रहा, बातचीत भी तो हम कर रहे हैं, बट जरूर यार फॉर मी आई विल से कि हाँ ऑस्ट्रेलिया की अगर पूरी प्लेइंग 11 उठाकर देख लें, वहां पर बॉलर्स में भी भला आप एक तरफ से सिराज बुमराह देखें, उधर से आप तेज गेंदबाजों में स्टार्क और उसको देखें हेजलवुड, वो भी कुछ दूर दूर तक कुछ क्लोज कंपटीशन ही है वहां पर, वहां पर भी कोई आउट एंड आउट आगे नहीं है। स्पिनर्स में हो सकता है एक तरफ एडम जंपा, एक तरफ कुलदीप यादव, वहां थोड़ा एज कुलदीप यादव को मैं दूंगा। ये उमेर कह रहे हैं कि सुबह शाहीन का वलीमा है इस्लामाबाद में, उसके बाद टीम अनाउंस होगी। वलीमा मतलब वलीमा होता है ना इस्लामिक वेडिंग्स में होता है। चलिए उसके बाद क्या होता है कि ये जरूर है, अच्छी बात है कि नेशनल टीम की अनाउंसमेंट रुकी हुई है शादियों के लिए,
गुड वर्ल्ड कप के लिए और वो भी शादी से पहले हो चुकी है, शादी 6 महीने पहले हो चुकी है, लेकिन चलिए ठीक है। हाँ, इसमें से क्या उठाया जाए? यार ये लाल क्यों भाई, एक एक सारा खाया जाए। नहीं यार ज्यादा हो जाएगा, ये खा के देख, ये खाइएगा जरा, मैं खोल के देख लेता हूँ, मैं खाऊंगा नहीं। लड्डू लें आप, ये चना लड्डू है यार, आई एम श्योर इसमें चॉकलेट, देखिए चना लड्डू है। लड्डू कहाँ से लग रहे हैं आपको? अरे चना लड्डू है भाई ये, ये तो पेड़ा लग रहा है, चना लड्डू कहते हैं इसको। पहले खा लीजिए और फिर वाह अक्षर रन्स विकेट और इकोनॉमी रेट ऑल थ्री रन्स भी आपको दे रहे थे अक्षर, इकोनॉमी रेट भी उनसे चाहिए थी, विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, जडेजा भी नहीं ले पा रहे, लेकिन कम से कम रन्स में तो अक्षर बहुत आगे थे। तो वॉशी का भी सेम रोल देख सकते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड भी है, लेकिन एक सवाल भी करता है, बॉलिंग भी करता है। इनके भी सवाल लेंगे, तीसरे ओडीआई में अक्षर वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अश्विन जो है वो काफी आगे नजर आ रहे हैं, आप इस पर नजर कम रखें। मैंने देखा सवाल आप सुना है ना, अश्विन जो है वो काफी नजर आ रहे हैं आगे सामने, तो अगर अक्षर आ जाते हैं तो क्या आपकी प्लेइंग 11 में जो थर्ड स्पिनर होगा उसमें चॉइस में अश्विन वर्सेस अक्षर हो जाएंगे? अक्षर तब किसको रखोगे आप? कपिल वाघमारे बोल रहे हैं, शुभमन विल